हाय एवरीवन, आज हम एकदम नई तरीके से ब्रेड पकोड़े की रेसिपी लेके आए जो बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी है। एकदम नया तरीका है, ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इस रमज़ान में बना सकते हैं सुबह शाम की चाय के साथ, अगर कोई मेहमान आ जाए तो भी बना सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। एकदम यूनिक रेसिपी ब्रेड पकौड़े की। अब चलिए देर की इस बात की, इस ब्रेड पकौड़े को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टफिंग बनानी है। गैस पे पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। एक चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गई है, आधी चम्मच जीरा डाल देंगे, चटकने देंगे। जीरा चटक गई है, एक बारीक कटी हुई प्याज है वो डाल देंगे। दो मिनट के लिए प्याज को भून लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए। प्याज को भून लिया है, थोड़ी सी अदरक है वो डाल देंगे, ग्रेट करके ले लिया है। और दो हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे, कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। भून लिया है, अब हम मसाले मिलाएंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। दो बॉयल आलू को ग्रेट करके ले लिया है वो डाल देंगे। अब इस मसाले के साथ आलू को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इस तरह से दबाते हुए मिक्स कर लिया है। थोड़ी सी हरा धनिया डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। इस प्रोसेस को गैस का फ्लेम मीडियम करके ही करना है। अब इसको और टेस्टी बनाने के लिए दो बॉयल अंडा ले लिया है। अगर आप अंडा खाते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक ग्रेटर ले लिया है, इस तरह से ग्रेट करके डाल देंगे। अब हल्के हाथों को आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार बनाएंगे तो बार बार आप इसी को बनाना पसंद करेंगे और सब मांग मांग कर खाएंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार कि स्टफिंग हमारी कितनी बढ़िया बनी है। देखिए इसकी कलर देखिए, स्टफिंग हमारी रेडी है। अब इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए, तब तक आगे की प्रोसेस करते हैं। इधर हमने 6 ब्रेड ले लिया है, एक ब्रेड ले लेंगे। और जो स्टफिंग बनाई है वो स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है, इस तरह से ले लेंगे और इस ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे इस तरह से। यकीन मानिए, एक बार इस तरह से ब्रेड पकौड़े बनाएंगे तो बार बार आप इसी ब्रेड पकौड़ा बनाना पसंद करेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रख लेंगे। अब बीच में से हम कट लगा लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। इसी तरह से हम सभी ब्रेड को बना के रेडी कर लेंगे। देखिए सभी को रेडी करके ले लिया है, अब इसको साइड में रख देंगे। दूसरा बाउल ले लिया है, दो चम्मच मैदा ले लेंगे, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, पानी डाल के हम पतला सा घोल रेडी करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए घोल हमारी रेडी है, इसी तरह से चाहिए हमें। 3 ब्रेड को मिक्सर जार में पीस के ले लिया है। देखिए इसी तरह से ब्रेड क्रम्ब चाहिए। एक पीस ब्रेड ले लेंगे, इस तरह से डीप करेंगे। इस ब्रेड क्रम्ब्स के ऊपर रखेंगे, इस तरह से कोटिंग करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे दबा दबा के कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह से कोटिंग करना है। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। देखिए सभी को रेडी करके ले लिया है, अब हम गैस पे चलते हैं। पहले से ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। अब हम डाल देंगे, तो हिला देंगे और एक साइड सेकने देंगे। एक साइड सेक गई है, अब हम पलट लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है। इसी तरह से अलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। इसका फ्लेम हाई टू मीडियम करके रखेंगे। इस तरह की ब्रेड पकोड़े शायद ही कभी खाए होंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस ब्रेड पकोड़े को रमज़ान में इफ्तार में बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। अगर कोई मेहमान आ जाए तो भी बना सकते हैं, वो आपकी तारीफ़ करेंगे। आप कोई भी टाइम बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। देखिए सीख गई है, कलर भी कितनी बढ़िया आई है। अब हम निकाल लेंगे। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है। सभी को इसी तरह से रेडी करके ले लेंगे। देखिए ब्रेड पकौड़ा हमारे बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर की स्टफिंग देखिए कितनी बढ़िया और कितनी लाजवाब लग रही हैं। इस तरह से सॉस के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार है, डिलीशियस है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलिए एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। बाय।